गांव खरक पांडवा के मुख्य मार्ग पर इन दिनों सड़क पर गंदा पानी खड़ा होने के कारण पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। सड़क पर खड़े गंदे पानी से जहां स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानी होती है, तो वहीं गांव का मुख्य मार्ग होने के चलते ग्रामीणों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर खड़े कई कई फुट गंदे पानी से गड्ढे दिखाई न देने के चलते यहां से निकलते समय कई दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हो चुके हैं। गांव खरक पांडवा तहसील कलार जिला कैथल का मेन रास्ता, दो नेशनल हाईवे दिखाना था उधर, दो नेशनल हाईवे से सीधा गांव की तरफ जाता है और ये है गांव का राजकीय उच्च विद्यालय। ये स्कूल का और गाँव का मेन रास्ता है। देखो ये महिलाएं उधर से पानी लेके जा रही है, किस हालत में निकल रही है। साथियों, इसकी शिकायतें हम पिछले एक डेढ़ साल से डीसी साहब, एसडीएम साहब, सीएम हाउस या सीएम इंडो तक कर चुके हैं। सीएम इंडो पर दो बार शिकायत करने के बावजूद कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे गांव को, गांव के बच्चों को, सभी ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके समाधान के लिए गांव वाले काफ़ी दिनों से चक्कर काट रहे हैं, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार स्कूल में आने वाले बच्चे इस चीकड़ में गिरने के कारण चोटिल भी हो जाते हैं, जिस कारण उनको कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए वापस घर जाना पड़ता है। ये गांव की गंभीर समस्या है। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से, समस्त गाँव की तरफ से निवेदन है, इसका समाधान जिस भी विभाग से होना हो, इसका जल्द करवा के गांव को रास्ता दिया जाए। अर्थ प्रकाश के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।